हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज एंड आप लोग का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल लकी आरजे में। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। आयुष्मान भारत की एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट ने एक नया सर्विस को लॉन्च किया है आयुष्मान भारत में। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा, अगर आप लोग एक इंडिविजुअल मैन हो या दोस्तों अगर आप लोग एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन था वो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, आपको कॉमन जहाँ पे आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनाया था वहीं पे जाके आप लोग को आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना पड़ता था। दोस्तों जो कॉमन सर्विस सेंटर वाले हैं उन लोगों को भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी, लोग जाते थे उनके पास अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए तो उन लोगों को बार बार पेमेंट करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन दोस्तों उसी के रिगार्डिंग भारत सरकार ने या आयुष्मान भारत के जो भी ऑथराइजेशन है उन लोगों ने यहां पे एक नई अपडेट या नई सर्विस को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप भारत में किसी भी व्यक्ति का आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हो सिर्फ आधार नंबर के थ्रू। साथ ही साथ दोस्तों यहां पे मैं बता दूं, आप किसी का भी डाउनलोड कर सकते हो और बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपए आप लोगों को देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, काफी बड़ी अपडेट है, काफी बड़ी खुशखबरी है। आज के इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आप लोग आयुष्मान भारत कार्ड को किस प्रकार से बिल्कुल फ्री में और जो नया सर्विस आया है उसको यूज करते हुए किस प्रकार से आप लोग आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस कमाल के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को pmjay.gov.in का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, यहां पे आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके यहां पे आ सकते हो। यहां पे मैं और एक बात बता दूं दोस्तों, यहां पे आप लोगों को ना ही सीएससी सेंटर की जरूरत है, कोई भी जरूरत नहीं है। ये सेवा लॉन्च की है भारत सरकार ने, बिल्कुल मुफ्त की है और सभी स्टेट के लिए किया है और साथ ही साथ सभी लोग इसका फायदा ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूं, आप लोगों को इस वेबसाइट पे आना है। इसके बाद ऑप्शन दिया गया मेन्यू का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया पोर्टल का, पोर्टल के नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम BIC, तो आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन एक नया ऐड किया गया है अभी अभी 2 या 3 दिन के अंदर में, ये ऑप्शन को ऐड किया गया है डाउनलोड आयुष्मान कार्ड, आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिर्फ एक ही नंबर मांगा जा रहा है आप लोग का, आधार कार्ड के थ्रू ही यहाँ पे आयुष्मान कार्ड डाउनलोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन आएगा स्कीम का, आप लोग को इस पर सिलेक्ट करना है। आप लोग का PMJY कार्ड यानी कि आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप लोग का दूसरा कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसको भी चूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया स्टेट का, आपका जो भी स्टेट है आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा तो आप अपना आधार कार्ड का पूरा नंबर डालिएगा, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिएगा एंड जनरेट OTP पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं आप लोग के आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर का ये लिंक है आधार कार्ड के साथ, तो उसमें भी एक OTP आ चुका है, तो उस OTP को यहाँ पे फिल करना है एंड वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, इनवैलिड OTP प्लीज ट्राई अगेन। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे सही OTP डाला है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं ये ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि दोस्तों इसको 2 या 3 दिन के अंदर ही लॉन्च किया गया है। अभी दोस्तों इस वेबसाइट पे और भी काम बाकी है, आप लोग 12 बजे रात या कभी भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, 1 दिन या 2 दिन के अंदर ये जो प्रॉब्लम आ रही है इनवैलिड OTP प्लीज ट्राई अगेन, आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। ये वाला जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आप लोग का आयुष्मान कार्ड फुल्ली 100% यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ये काफी बड़ी अपडेट है और काफी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों जो आयुष्मान कार्ड डाउनलोड की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, आप लोग को जहाँ पे बनवाए थे वहां पे जाना पड़ता था, अगर वहां भी नहीं होता तो आप लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ता था, वहां से आप लोग का आयुष्मान कार्ड डाउनलोड होता था, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। उसी के रिगार्डिंग ये सर्विस को लॉन्च किया गया है, इस सर्विस को हाल फिलहाल ही लॉन्च किया गया है, इसलिए ये सर्विस अच्छे तरीके से वर्क कर रही है लेकिन वेरीफाई नहीं ले पा रहा है, कुछ दिन में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। एंड दोस्तों आप लोग बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से यहां पे मैंने लाइव बता दिया है कि आप लोग अपना आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को आयुष्मान कार्ड डाउनलोड से रिलेटेड काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं दोस्तों और एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।